मैं आपके बीच में अपनी एक कविता रख रहा हूँ कि किसी को गीता किसी को कुरान चाहिए, किसी को गीता किसी को कुरान चाहिए, किसी को बाइबल किसी को गुरु ग्रंथ चाहिए, और हमें तो इंसान को इंसान से जोड़ने वाला इंसान चाहिए। छोटे बड़े का ना भेद चाहिए, जाति के नाम पर ना द्वेष चाहिए। छोटे बड़े का ना भेद चाहिए, जाति के नाम पर ना द्वेष चाहिए। चेहरे पर ना कोई नकाब चाहिए और शीशे की तरह दिल साफ चाहिए। हमें टुकड़ों टुकड़ों में बड़ी जातियां नहीं, एक आदर्श समाज चाहिए। किसी को गीता किसी को कुरान चाहिए। अंतिम पंक्तियां हैं कि इज्जत जहां लुटती रहे और सांसें जहां घुटती रहें, ना ऐसा मुझे अपमान चाहिए। इज्जत जहां लुटती रहे और सांसें जहां घुटती रहें, ना ऐसा मुझे अपमान चाहिए। मुझे झूठे आश्वासन नहीं, मुझे झूठे आश्वासन नहीं, संविधान में दिए हुए मेरे अधिकार और सम्मान चाहिए। किसी को गीता किसी को कुरान चाहिए, किसी को बाइबल किसी को गुरु ग्रंथ चाहिए। मुझे तो इंसान को इंसान से जोड़ने वाला इंसान चाहिए। क्या खूबसूरत पंक्तियों में एक बहुजन समाज के दर्द को कह दिया। किसी को गीता किसी को कुरान चाहिए, पर मुझे तो बाबा साहब का सिर्फ संविधान चाहिए। संविधान ही एक ऐसी ताकत है जो बहुजन समाज की मूवमेंट को ताकत को मजबूत रखे हुए है। हमारे चैनल से आपने बात करी संदीप, जिसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा नाम राजीव है, मैं आपके सामने अपनी एक कविता रखने जा रहा हूँ। ना मस्जिद की बात हो ना शिवालय की बात हो, ना मस्जिद की बात हो ना शिवालय की बात हो, पर जब बेरोजगार है निवाले की बात हो, पर जा बेरोजगार है निवाले की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना अजान से है ना नवाज से, मेरी नींद को दिक्कत ना अजान से है ना नवाज से, मेरी नींद को दिक्कत है मरते हुए जवानों से और खुदकुशी करते हुए किसानों से, मेरी नींद को दिक्कत है मरते हुए जवानों से और खुदकुशी करते हुए किसानों से। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बढ़िया। आज की जो युवा है कितने अच्छे से वो मूवमेंट को समझता है, और जिन्होंने बताया कि मुझे जो दिक्कत है सिर्फ जवानों की जो गोलियां लगती हैं उनसे है। आपने धन्यवाद, आपने हमारे चैनल से बात की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।